जांग ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतो स्तनवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै संग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्सं तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः जांग ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतो सुनवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्सं तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए जे बहुत सारे व्यक्ति साधु बनने का कोशिश करता है, बहुत सारे व्यक्ति साधु बनने के लिए आता है, लेकिन बहुत कम आदमी साधु हो पाते। वास्तव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं बहुत सारे आदमी साधु बनने के लिए आ जाता है, लेकिन वे लोग साधु का रास्ता से बहुत बहुत दूर घूम गया। जो वास्तव साधु का रास्ता है उससे बहुत बहुत दूर घूम गया। ऐसा ही समाज का अवस्था है। माया का प्रभाव, किसी का हिम्मत नहीं माया का प्रभाव का बाहर जाए। पिछले कई दिनों से ये सब चर्चा होते आ रहे हैं, काल भी देखे हों, माया इतना स्ट्रांग है प्रभाव, जिसके द्वारा सब असुर और सुर लोगों में कितना संग्राम हुआ, लड़ाई हुआ, सब कुछ बड़ा हंगामा मच गया। कोई भी आदमी जगत का अपना जो स्वार्थ है, सेल्फ इंटरेस्ट, इसका बाहर जा नहीं सकता, संभव नहीं। कृष्णार्थे अखिल चेष्टितम, कृष्णार्थे अखिल चेष्टितम, कृष्णों के लिए, ठाकुर जी का लिए सब कुछ मेरा प्रयास, प्रचेष्टा, धन दौलत, जीवन जौवन जो कुछ है ये सेवा में लगाना, ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं, इतना ऊंचा बात है। प्रह्लाद महाराज जी का भी उधर हम चर्चा किए, जब तक परमहंसों गुरु वैष्णवों का चरण रेणु के द्वारा किसी का अभिषेक ना हो जाए तब तक ये संभव नहीं। अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा बद्धजीव ठाकुर जी का पास जाए, भगवान का पास जाए, ये कदापि संभव नहीं। अपना तरफ से प्रयास प्रचेष्टा करे और बाकी हर वक्त कृपा के लिए चेष्टा करे, कृपा प्राप्ति के लिए हर वक्त, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जिस समय मेरा प्रार्थना बंद हो जाए, कृपा प्रार्थना, उस समय मेरा भजन भी रुक जाएगा। हर समय हर वक्त कुछ भी सेवा करे, हर वक्त प्रार्थना अंदर में चलते रहे, ठाकुर जी मेरे को बचाओ बचाओ, नहीं तो कदापि संभव नहीं। और ये जगत का जितना सारे व्यवस्था है सारे टेम्पोररी है, परमानेंट कुछ नहीं है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ा बात ये है, ये जगत का कोई भी व्यवस्था कुछ भी कर लो, ये जगत का कोई भी व्यवस्था, चाहे बिल्डिंग लो, बड़ा व्यवस्था कर लो, खाना पीना, बैंक में कुछ भी कर लो,
ये जगत का कोई भी व्यवस्था परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। और साधक जो है हर वक्त चिंतन करते रहना, साधक को हर वक्त चिंता करना चाहिए कि मेरा ये जगह नहीं है, मैं ये दो एक दिन के लिए आया, ये दो एक दिन के लिए आया इस जगत में, ये जगत मेरा जगह नहीं है, ये कहाँ आ गया मैं, ऐसा करके हर वक्त तत्व ज्ञान चिंतन करना चाहिए। नहीं तो ये जगत का साथ प्यार हो जाए, किसी वस्तु किसी व्यक्ति, हर वक्त गुरु वैष्णव चिंतित रहते हैं, बद्ध जीव भले वो लड़का वो तो बहुत अच्छा लड़का है, बोला अच्छा तो है ही है, लेकिन फिर भी चिंतन है, फिर भी अपना नज़र का सामने रखना चाहते, कहाँ गया था कि कोई ऊपर जाए, किसी का साथ भेंट हुए, किसी लड़की कुछ हो गया, मन फंस गया, बस हर वक्त गुरु वैष्णव चाहता है कि मेरा आंखों का सामने रहे, कुछ भी करे एकदम बिल्कुल एक सेकंड मेरा नज़र का बाहर मत जा। जब तक हम लोग गुरु वैष्णव का नज़र का सामने निगाह में रहते हैं, गुरु वैष्णव का निगाह में रहते हैं, तब तक मेरा सुविधा है, शांति है। साक्षात चैतन्य महाप्रभु रहते हुए देखो, काला कृष्णदास चला गया भट्टोधारी के पास, कहाँ रखा, साक्षात चैतन्य महाप्रभु परात्पर अखिलेश्वर भगवान, ये रूप ये सौंदर्य देखने के बाद किसी को रुचि होता है कि किसी लड़के के पास जाए, किसका रुचि होता है। रूप गोस्वामी बात इसलिए बड़ा सुंदर बात बताया, देखो ये तो हम लोग हमारा शिक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु का भजन करना उतना इजी नहीं है, सब जब भी सबसे इजी सबसे सीधा काम यही है और सबसे कठिन काम ये भी है। रूप गोस्वामी पाद इसलिए बताया कि देखो जब से मेरा मन कृष्ण चरण का जो नव नव सौंदर्य जो आस्वादन करने में लग गया, तब से मेरा स्त्री चिंतन ये तो थिक्कार आ गया मेरा, दुर्गम दूषित ये सब चीज, जदवदी मम मनो कृष्ण पदार विंद नव नव रसध्याम रंतु महासित तदवदी बतो नारी संगम स्मर्ज माने सुस्व निश्चिवन च मुख विकार भवती, धिक्कार आ जाता मुख ऐसा कर दे, लिखा है रूप गोस्वामी पद, विकृत हो जाता। बद्धजीव का इतना दुर्बल हाल दुर्बल है, कभी भी कुछ हो जाए कोई गारंटी नहीं है, माया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी, हर वक्त रोते रहो, हर वक्त रोते रहो, गुरु वैष्णव बचाओ, आप भोजन पानी आदि जो कुछ बहुत विचार करके, हमारा सामने इतना सारे प्रसाद आया है, अच्छा अच्छा सब ले लो खाओ, ये नहीं, इसमें जितना मेरा ठाकुर जी प्रसाद बुद्धि, ये ले लो थोड़ा, ये ले लो थोड़ा 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 बस प्रसाद, ये नहीं कि हम खा ले बस पूरा बस भजन हो गया। इसलिए हर वस्तु हमारा सामने आते रहेंगे, लोग सम्मान देंगे मेरे को, लोग बहुत कुछ भेजे, बहुत कुछ हमको देने का कोशिश करे, लेकिन ये विचार है मैं कहाँ तक ले। काल भी बामन जी का चर्चा हुआ था, बामन महाराज बामन देव, काल तो ऐसा तिथि था जो बामन देव और बामन देव भगवान दोनों का ही एक साथ, ठाकुर जी का ऐसा ही मिला है मैं तो इच्छा करके नहीं किया तो हो गया, काल मैं घर में सोचने आल बामन देव जी का कथा और बामन जी देव का आविर्भाव, बस अच्छा ही ठाकुर जी का इच्छा है न। बामन देव भगवान जो है ये बोली महाराज के साथ बात करते करते ये सब बात रहस्य को खोला, देखो जद्रिछलाव संतुष्ट स्व विप्रस्व तेज वर्धते, जो साधु कई भी ठाकुर जी का इच्छा से मिला इसी में जो अपना गुजारा कर लेते उसका ऊपर ठाकुर जी संतुष्ट होता है, यही ठाकुर जी संतुष्ट होता ही है, उसका जो दिल है बड़ा पावर रहता है, बहुत पावर। एक व्यक्ति वाराणसी में शुद्ध ब्राह्मण
वेद आदि पाठ करते, बड़ा शुद्ध नियम है। आजकल का जमाने में कोई आदमी सोच भी नहीं सकता ये कि संभव है। वो ब्राह्मण है, गृहस्थी है, देखने में गृहस्थी, बीवी है वो है, वो अपना भजन करते हैं और उसका नियम है सुबह से लेकर वो भजन करते रहे और सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो कुछ भी आ जाए बस उसी को लेके थोड़ा भोग लगाए ठाकुर जी को, रंधन करके बस वो प्रसाद पाए। एक ही बार जो आए 12 बजे तक जो आया वही, 12 बजे के बाद आए तो अन्य, 12 बजे के अंदर जो आया उसी को लेके संत, जो कुछ भी आया उसको लेके संत। वो पत्नी को बोल देते थे आज इतना चीज आएगा देखना, भजन करते करते बोल देते थे, साधु है देखना, पत्नी को बोल दे आज ऐसा ऐसा चीज आएगा ऐसा ऐसा करना, भजन में बैठ जाते इतना ही। और रसोई का बाद जो प्रसाद पाने का बाद जो ज़्यादा हो जाए वो भी नहीं रखते रात को खाने के लिए, कुछ नहीं, बस इतना भाई रात को करके भजन करते। मथुरा में थे बहुत सारे, तो ये जो है बड़ा आश्चर्य बात है। आजकल का जमाने जो व्यवस्था हुआ, जो बावन गोस्वामी महाराज बा उच्च कोटि का जितना सारे संत है वो लोगों का पास वास्तव रूप से जो रहता है उसका सुविधा होता है, जो रहने का नाटक करता है उसका सुविधा नहीं होता, उसका नुकसान उल्टा हो जाता है, नुकसान सुविधा नहीं होता। और कि ये जो संघ में रहना सेवा करना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन रहे ढंग से तब, नहीं तो उल्टा हो जाए। और गुरुजी के पास रहने से सुविधा मिलता है, सारे आदमी हमको सम्मान ये सब है विचार। और वर्तमान अवस्था ऐसा हो गया, पहले था कि शुद्ध गुरु वैष्णव जो सामने आए, जो सामने आए उसको भजन का आस्वादन दिला सके, नाम क्या है हरि कथा क्या है, वो जो आस्वादन है उसी आस्वादन को लेकर उस जिस परिस्थिति में जैसे भी हो वो सुखी रहता। प्रभुपाद का जमाने में ऐसा था, खाने पीने का कुछ नहीं था, मोटा चावल और एक साग बना कि दाल बना कुछ ठीक नहीं है, बस अकेला पड़ा बस वो ठीक नहीं है कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी आनंद है। क्यों? वास्तविक जो आध्यात्मिक जो चीज है उसको मिल रहा है, वास्तविक जो खुराक है, जिसको वास्तविक खुराक बोला जाता है, बाहर में लूची पूड़ी हलवा ये तो खुराक नहीं है, ये तो गला घोटने वाला चीज है। असली जो खुराक है वो है हरि कथा कीर्तन वैष्णव संघ, इसके द्वारा जो सुविधा होता है उसके द्वारा पवार आते हैं। पहले कुछ नहीं था, यहाँ तक कि एक कापड़ फट गया, परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज, ये ब्रह्मचारी अवस्था का बात मैं कह रहा हूं, हयग्र ब्रह्मचारी, एक पौपात का समय में ये सब जड़ जगत का कोई सुविधा नहीं था, कुछ नहीं। आप भजन को अगर नया बनाने का कोशिश करो, जो सब आचार्य जो लोग भजन को नया बनाने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग, वो मरेगा, उसका शिष्य लोग भी मरेगा। नया भजन का ये नया पद्धति, नया पद्धति नहीं, भजन वो शाश्वत तो है, जो देखे गया वही, उसमें कोई मॉडर्न कुछ नहीं होगा। अब सब कीर्तन भी मॉडर्न हो गया, खोल छोड़ दिया, डोम डोम बजाना शुरू कर दिया, मॉडर्न हो गया सब। भक्ति मॉडर्न नहीं होता, भक्ति नित्य नित्य शाश्वत तो है, उसमें नया बात कोई कुछ नहीं चलेगा, जो है वो है। तो प्रभुपाद का समय में ऐसा था कि कुछ सुविधा कुछ नहीं था, सुविधा एक है वो भजन का सुविधा। अगर सब छोड़ के आए हो, क्या अच्छा कपड़ा पहनना, क्या अच्छा खाना खाना, अब जब छोड़ के ही आया है सब, जब हम सब छोड़ के ही आया है, कृष्णार्थ अखिल त्याग, तो कृष्ण नामक वस्तु के लिए मेरा अंदर में प्यार है तो जगत का किसी वस्तु के लिए मेरा प्यार नहीं होनी चाहिए। कृष्ण में भी प्यार है, गुरु वैष्णव में प्यार है, संसार में प्यार है, झूठा बात है, हो ही नहीं सकता।
एक साथ होता नहीं। तुलसीदास जी ने बताया जहां राम तहां नहीं काम ऐसा, और फिर रोबी रजनी नहीं मिले एक ठाम। अब सूरज भी है अंधेरा भी है, पूरा सूरज उस उदय है और निशा काल ये हो ही नहीं सकता। रोबी रजनी नहीं मिले एक ठाम, हो ही नहीं सकता। ये सब बारे में चर्चा हो आप देखोगे। भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र इत्यादि श्लोक है, अपूर्व सुनोगे बात। तो ये जो है इसमें परम है गुरु ब्रह्मचारी बहुत दिन से, कितना मैंने पूरा चैतन्य मठ का जितना सारे खर्चा है, सारे खर्चा ये परम पूजवाद की परम पूजवाद तुम्हारा यही हैज्ञ ब्रह्मचारी और अप्राकृत ब्रह्मचारी, जिस अप्राकृत प्रभु जिसका नाम है परम पूजवाद ये भक्ति सारंग गोसाई महाराज, गोसाई महाराज या दोनों, ये दोनों कलेक्शन करके लाते थे और उसी से चलता, कुछ नहीं था, कोई भेंट देने वाला भी कोई नहीं था उस जमा। अब तो भेंट देने वाला बहुत है, तुम नहीं दोगे तो सोच देखे साधु तो लेना नहीं चाहता। विशेष कोई सेवा है तो ठीक है चलो कर दो, इच्छा है तो करो हमारा मंगल हो जाए, कुछ नहीं था। और कपड़ा जो है एक कपड़ा को धो धो के, एक ही कपड़ा आया बाहर से गमछा पहन लिया, धो के उसको सुखा दिया, सुखा के फिर पहन लिया, एक ही कपड़ा पहनते पहनते जो फट गया, फटने का बाद भी कहाँ फटा, बोले इधर फटा, कपड़ा को घुमा कर और फटा जो जो जगह है उसको अंदर कर दिया, और जो फटा जगह नहीं है उसको ऊपर कर दिया। ऐसा करते करते चलाते चलाते जो एकदम हिम्मत हार गया एकदम शेष, तब हाथ जोड़ के इंचार्ज जो है इंचार्ज के पास जाके बोले कुंजोदा आपका पास अगर कपड़ अगर आपके पास ज़्यादा है तो दे सकते हो। कपड़ा फट गया अस्ति से ऐसा विनम्र भाव से, आपका पास अगर कपड़ ज्यादा है तो आप दे सकते हो, यदि अगर है तो दे सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। विनम्र भाव, ऐसा नहीं उधर हम इतना कलेक्शन करके लाते हैं और हमारा लिए कपड़ नहीं है, चादर नहीं है, उल्लू कहीं का अहंकार का कोई स्थान ही नहीं है वजन में, अहंकार का कोई स्थान ही नहीं है, कहाँ अहंकार बोलो, जहां अहंकार तब भजन कहाँ होगा। ऐसा विनम्र भाव, कुंजोदा आपका पास अगर कपड़ ज्यादा है तो दे सकते हो, कपड़ फट गया ऐसा विनम्र भाव है तो देते, नहीं है तो नहीं देते। ऐसा भी जमाना था जिस समय चैतन्य मठ हुआ कुछ नहीं, बाद में तो जमीन डोनेशन हुआ पूरा बहुत, पहले तो कुछ नहीं था, सिर्फ चैतन्य मठ छोटा सा हुआ, चैतन्य मठ हुआ, नाट्य मंदिर में नहीं है। उस समय भिक्षा में कुछ आया, ठाकुर जी का पारस लगाया, दो पारस, ज्यादा चावल नहीं है, चल खत्म। नरहरी बाबू नरहरी प्रभु बोला भी नहीं किसी को, प्रभुपाद को बोले टेंशन आएगा, क्या दरकार है, ये दो पारस जो है थोड़ा भोग लगा के साग फाक थोड़ा थोड़ा बहुत जो गोविंद जी को भोग लगा के और प्रभुपाद जी को प्रसाद दे दिया, व्यवस्था के प्रभुपाद इतना पाते थे, बाकी सब एक साथ जो साग डाल जो कुछ भी है थोड़ा बहुत था उसको मिक्स करके थोड़ा माधुकुरी करके। और उस समय प्रभुपाद जो है क्या लाइब्रेरी से उतर रहे, प्रभुपाद बोला क्या है आज आप लोग ऐसा माधुकुरी का क्या क्या चाल नहीं है क्या। नहीं नहीं प्रभुपाद हम लोग वैराग्य अभ्यास कर रहे हैं, हम लोग वैराग्य अभ्यास किया है, ये सब खाते खाते तो कुत्ता बिल्ली बन गया हम लोग, हम वैराग्य अभ्यास कर रहे। प्रभुपाद समझ गया कि कुछ नहीं, रोया लाइब्रेरी में जाकर रोया। इसके बाद प्रभुपाद जी का जिंदगी में जे सब महापुरुष आए परम पूज्यवाद जी सब महापुरुष आए वो लोग तो पूरा पृथ्वी में निशान फैला दिया, और हम इतना गद्दारी कर रहे हैं गुरु वैष्णव के साथ जो पूरा गौड़ीय मठ का नाम, गौड़ीय मठ का नाम और निशाना मिटाने के लिए हम व्यस्त है। मैं तो साधु नहीं, मैं सोचता कि मैं साधु नहीं, मैं गौड़ीय मठ का नाम और निशाना मिटाने के लिए व्यवस्था कर रहे, मेरा चरित्र मेरा स्वभाव मेरा आचरण
ये ऐसा है, बड़ा दुखी बात है। कहां वो आदर्श, कहां वो आदर्श, इतना ऊंचा आदर्श और कहां गिरा हुआ इंसान मैं हूं। कैसे ये सब चर्चा करें, कहां करें? मेरे तो ऐसा लगता है कि अभी सब चर्चा बंद कर दो, बाकी पूरा जैसे ठाकुर गुरुजी सादा वेश दिया है, बस बैठ के नाम करो। किसका पास बोले, किसका पास बोले, कैसे बोले? सब शत्रु समझता है मेरे को, सारे दुश्मन समझता है। ऐसा बात हो गया। जो भी है, बामन जी महाराज जी का ये जो प्रसंग है, बामन महाराज जी, बामन देव भगवान बताए कि अगर जद्रिच्छा लाभ के द्वारा संतुष्ट हो जाओ तो उसमें आपका मंगल है, नहीं तो कभी भी संतुष्टि जो चीज है, हमारा वृंदावन में कहावत है, जब मिल जाए संतोष धन सब धन धूल समान, जब मिल जाए संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष धन अगर दिल में है, कोई बेचैनी नहीं है, बस आनंद से रहो, कोई बात नहीं। पोपाद जी एक कहानी बोलते थे, पोपाद जी बोलते आजकल के जमाने में हरि कथा हरि कीर्तन ये तो सब बंद हो गया, पर ऑलमोस्ट पोपाद उस जमाने में बोला था हरि कीर्तन हरि कथा तो बंद ही हो गया, पोपाद जी उस जमाने में बोलता था, आप इस जमाने में हम लोग क्या बोले, हरि कथा हरि कीर्तन तो बंद ही हो गया, बंद हो गया बोला। और अभी तरह तरह के सुविधा देने का बात, तो हमारा मठ में रहोगे तो तुमको ये सुविधा हम देंगे, रहो मठ में। ऐसा प्रभुपाद जी कहानी बोलते थे, एक जमींदार का उधर कोई नौकर चाकर टिकते नहीं, डांटते नहीं, दो दस दिन काम करते उसका बाद सलाम देके चले जाते, बोला हम आपका पास रहेंगे नहीं, इतना सेवा है इतना सब कुछ है, हम नहीं गए नहीं, इतना कम तनख्वाह है। तो जमींदार बड़ा चिंतित हो गया, तो तनख्वाह तो मैं दे रहा हूँ फिर भी संतुष्ट नहीं है, कैसे क्या किया जाए बोल के बड़ा चिंतित है। कभी कभी तनख्वाह बढ़ा भी देते, ठीक है 200 रुपया ज़्यादा देंगे, चल रह जा थोड़ा काम कर, फिर भी बोले किस दिन बाद, नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको इतना सेवा है इतना हम क्या कैसे कर सके इतना परिश्रम। तो दोस्तों का सामने उसका एक दोस्त है, एक दोस्त का सामने बातचीत किया, बोलो देखो हमारा साथ में कोई भी नौकर टिकता नहीं, काम का आदमी सब चले जाते हैं, ऑफिस का काम है, दफ्तर में बैठना है और ये सब बाजार जाना, बहुत सारे सेवा है, बहुत सारे काम है, सेवा तो बोल नहीं सकता, ठाकुर जी का जो विषय है उसमें ही सेवा बोल, ऐसे वो लोग बोलते हैं, वो लोग यह भाषा है हम बोला, एक्चुअली सेवा जो शब्द है ये किसी भी चीज़ में यूज नहीं किया है, गाधा घोड़ा समाज सेवा, गाधा का घोड़े का सेवा, कुत्ता का सेवा, मानव सेवा होता ही नहीं, ये सेवा शब्द एकमात्र भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का साथ जोड़ा हुआ जो वस्तु है गुरु विष्णु ये सब धाम नाम, सेवा शब्द किसी जगह यूज नहीं होता। जो भी है हमने तो उसका ही बात बोल रहे हैं। भले ऐसे जमींदार बहुत दुखी हुए, तो उसका दोस्त उसको सलाह दिया, बोले ऐसा करो तुम्हारा पास नौकर रह जाएगा, हम एक बुद्धि दे देते। बोले क्या बुद्धि? बोले आपका जो भोजन होता है ना, भोजन में जितना व्यवस्था है, आपका भोजन का जो व्यवस्था है उसी भोजन का अंदर वो नौकर का भोजन का व्यवस्था कर दो, और स्पेशली गावा घी है ना, गौ माता का गावा घी और बालाम चाल, चाल जानते हो बालाम चाल जो एक नंबर सुपर फाइन, वो बालाम चाल और घी जरूर देना, बाकी तो सब रहेगा, मछली आदि सब तो रहेगा ही, वही वो विशेष देना करके आपका जो भोजन का व्यवस्था उसी भोजन का अंदर उसको कर देना, वो खाते रहे। बोले उसमें तो मेरा घाटा जाएगा, घाटा कुछ नहीं जाएगा, खाने दो ना उसको, 6 महीना खिलाओ उसका बाद बुद्धि आए, 6 महीना खिलाओ उसको, और 6 महीना खिलाना शुरू कर दिया। पहले तो उसको रेशन मिलता था कांकर वाले चावल और थोड़ा वो साग पत्ता, कुछ मिले तो मिले ना मिले ना मिले, हाँ ऐसा खाने का अभ्यास था। बाद में जब हुआ ऐसा 6 महीना लगातार ये सब खाते खाते जब बस बन गया, तो एक दिन नौकर बोल रहे 6 महीना हो गया, तनख्वाह बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो हम नहीं रहेंगे। तो दोस्त ने सिखा दिया, तब बोलना हम नहीं रखेंगे तुमको,
बोल देना। तो 6 महीना अभ्यास पड़ गया, बालाम चाल और गवा का घी ये सब खाने का अभ्यास हो गया। उसके बाद मालिक बोल दिया तेरे को हम नहीं रखेंगे, जा जो तनख्वाह दिया वो वही देंगे, इसके बाद नहीं देंगे। वो चला गया गुस्सा करके। 2-10 दिन रहा, हमारा रहा नहीं जाए क्योंकि अभ्यास बन गया बालाम चाल और घी खाने का। वो कैसे खाए, कांकड़ और पाथर कुछ मिलता ही नहीं। इसमें दुखी होकर फिर मालिक आप जो दे रहे हो उसी दो, उसी व्यवस्था में हम रह जाएंगे, कोई चिंता नहीं। अब आ गया, अब हमारा जो मठ का व्यवस्था वो ऐसा हो गया। इसका बोलो तेरे को फॉरेन ले जाएंगे, लड़की दिला देंगे फॉरेनर लड़की, पैसा तेरा नाम पे दे देंगे, तेरे को गुरु बना देंगे। हिम्मत ही नहीं है जो आध्यात्मिक शक्ति। हम काल इतना काल बहुत बात चर्चा करने की इच्छा था, जब तक भगवत आवेश ना हो जाए, जब तक भगवत आवेश ना हो जाए तब तक वो व्यक्ति गुरु का काम नहीं कर सकता। चाहे गुरुजी बना के गया है तो क्या होता, तुमको गुरुजी आचार्य बना गए तो हमारा क्या है। गुरुजी कृपा किया था, तुमने कृपा खो दिया, तुमको संपत्ति दिया गया था तुम खो दिया, तो क्या होगा उसमें। जब तक भगवत आवेश ना हो, किसी बाप का हिम्मत नहीं गुरु का काम करे। भगवत आवेश होगा हर वक्त, शाम शॉर्ट ऑफ इंडक्शन, एक तो जैसा आवेश है नशा जैसा, बावन गुस्सा महाराज को देखने से पता होता सब वक्त नशा जैसा, कैसे बात करता है कैसे क्या करता है। लेकिन शिशु लोग सब समझता ही नहीं, आजकल जो है कोई समझता ही नहीं गुरु का पोजीशन क्या है, साधु क्या है, सब एक हो गया, सब एक, तुम भी एक हम भी एक, तुम भी चुप हम भी चुप, सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे, तुम भी चुप हम भी चुप। आश्चर्य के बाद हो गुरु वैष्णव का जो पोजीशन है, गुरु वैष्णव से जब तक हम ये तेज जो शक्ति जब तक ना ले सके कुछ नहीं होने वाला। देखो भागवत जी महापुराण का जो प्रसंग है एक एक करके, उसमें आपको ऐसा लगे महाराज यहाँ इतना हंगामा हो रहा है सारे, वास्तविक ये हंगामा नहीं है, ये इच्छा करके ठाकुर जी ये भगवत और भागवत चरित्रों का स्थापन किए। जैसे जगत का आदमी इस विषय में चर्चा करे उसका बुद्धि खोल जाए कि देखो भगवत भजन ऐसा है, उसमें तरह तरह का मुसीबतें आते रहे, ये सब समझाने के लिए भगवत भागवत चरित्र जो कुछ भी है ये सब हमारा सामने भागवत जी महापुराण में जितना सारे घटना, इसमें कोई अश्लील बात नहीं है। आपको लगेगा इधर अश्लील बात है महाराज जी क्या हुआ, लेकिन बात यहाँ किसी भी चीज़ अश्लील नहीं है। अश्लील तो हम है, हमारा अंतर है अश्लील, हमारा अंतकरण जो है वो इतना गंदा है को हमको लगता है यह गंदा चीज़ है, गंदा कुछ चीज़ नहीं। यहाँ जो चीज़ है सब एकदम भागवत जी महापुराण में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको फेंकने वाला चीज़ है, सब एक। जहाँ भी देखो प्रथम स्कंद के अंतिम सब एक ही बात है। अब इधर जो है काल तक जो चर्चा हुआ उसके बाद हम बोले देखो सत्यव्रत नाम की एक राजा, सत्यव्रत नाम के राजा कृतमला नदी में स्नान करने गए, तो उधर क्या हुआ बोले वहाँ एक मछली छोटा सा इतना हाथ में आ गया, तर्पण करने का जल तर्पण करने का टाइम, तो राजा ने इसको पानी में फेंकने का कोशिश किया, हाथ में आ गया, तो वो मछली जो है सफरी वो बोल उठे कि राजन मेरे को मत छोड़ो, मैं भी भयभीत हूँ, मेरा इतना बड़ा मैंने पानी में आप फेंकोगे तो मैं भयभीत हूँ, हमको लेके आप संभालो। तो उसका डर देखकर राजा ने उसको उठाकर ले आए अपना कमंडलू में रखे। उसके बाद वो बढ़ते रहे बढ़ते और बोले राजन मेरे को कमंडल में मत रखो, मेरा जगह नहीं हो रहा है, मैं बढ़ गया शरीर बढ़ गया। उसके बाद उसको उठा के एक बड़ा कलसी में रखा, उधर थोड़े ही समय में बोला राजन हम बढ़ गया है, हमको उठा के रखो बड़ा जगह पर, हम हो नहीं रहा। ऐसा करते गए बढ़ते रहे, अंतिम में राजा हैरान हो गए, आखिर तुम हो कौन जितना बढ़ रहे हो,
हमको तो लगता है वो व्यापक वस्तु ब्रह्म वस्तु हो आप, समझ लिया, बोला हमारा पास धोखा मत दो, अब कौन हो बताओ, ऐसा तुरंत बढ़ते रहते सेकंड सेकंड में, क्या बात है, इतना बड़ा जलाशय में रखा वो बढ़ गया, राजन हमको उठाओ दूसरा जगह रखो, फिर उधर पड़ा हुआ, फिर क्या बात है, क्या चक्कर है। बाद में पता चला ये ब्रह्म वस्तु है, ये एक स्वाभाविक वस्तु नहीं, ठाकुर जी स्वयं मत्स्य भगवान का रूप पकड़ कर आए हुए हैं। बोलो मत्स्य भगवान की जय। अब मत्स्य रूपी भगवान हो या तो बराह रूपी भगवान हो या तो कूर्म रूपी भगवान हो, सारे चर्चा में आया भागवत चर्चा में, लेकिन किसी भी हालत इसका कोई स्वरूप का विकृति नहीं होता। ठाकुर जी है, कभी बराह रूप पकड़ कर, कभी कछुआ रूप पकड़ कर, कूर्म रूप, कभी मत्स्य रूप, लेकिन इसमें मत सोचो कि इसमें ठाकुर जी का विकार हुआ, विकृत हुआ, मायावादी जैसे बोलते हैं ठाकुर जी का ब्रह्म का विकार हुआ, ओके जगत हुआ। अरे महाराज ब्रह्म कैसे विकार हो, ब्रह्म तो निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, इसका विकृति कैसे हो, निष्कलम को विशुद्ध, इसका विकृति कैसे हो, ये संभव नहीं मायावादी का विचार। ठाकुर जी का ये सब जो स्वरूप है, मत्स्वरूपी भगवान, बराह रूपी भगवान, कूर्म रूपी, सारे हम बताएं पंचम स्कंद चर्चा करते समय याद है, इस दीप में निशिंग भगवान रहता है, उस दिन में कूर्म भगवान बोला था हैं, इलावृत वर्षों में शंकर भगवान अर्चन करते हैं शंकरषण को, सब बताया, प्रहलाद महाराज इसी वर्ष में बोला था, सब चर्चा किया था, बोला था ना, कुछ याद ही नहीं रहता किसी को। एक एक दीप पे एक एक भगवान का स्वरूप इच्छा करके वैकुंठ जगत का, वैकुंठ जगत जो है उसका छोटा छोटा एक ब्रांच खोल दिया ठाकुर जी, वैकुंठ तक तो जा नहीं सके, इसे ठाकुर जी क्या क्या वैकुंठ जगत जो है, बोले बेचारा आ नहीं सकेगा, कैसा करे, वो वैकुंठ जगत का सब अलग अलग जो प्रकोष्ठ है उसका एक एक ब्रांच खोल दिया, ऑफिस, इसमें छोटा छोटा ऑफिस खोल दिया, इसमें क्या हुआ, इसमें राम जी का आराधना हो रहा है, इसी दीप में रोमणक वर्ष में इसका आराधना हो रहा है, छोटा छोटा ब्रांच हो गया, और वैकुंठ जगत है जाओ बद्रीनारायण जाओ, बद्रीनारायण क्या है, वो तो वैकुंठ ही है, अनुभव लेके जाओ तो वैकुंठ ही है, क्या है, वैकुंठ है, तो तुम जैसा पागल जाओगे तो क्या देखोगे, हैं, वैकुंठ साक्षात है, जो लोग अनुभव लेके जाता है, अरे बाप वैकुंठ है साक्षात। ये जो है अभी मत्स्य भगवान जी ने अपना स्वरूप बोले, बोले हम ठीक, आप ठीक पकड़ा, मैं वो ब्रह्म वस्तु हूँ, और आज से 7 दिन के अंदर प्रलय आ जाए और सारे पृथ्वी जलमग्न हो जाए, पानी पानी भर जाए, अब एक कैसा करो हे राजन, तुम जितना सारे औषधि है, धान चाल जौ गौ जितना सारे औषधि है सब अपना, एक नौका आएगा, बड़ा सा नौका है, बोट आएगा है किश्ती, उसमें सारे ये सब औषधि लेके चढ़ जाओ, उसमें सप्तर्षि भी रहेगा, सप्तर्षि और आपको और सप्तर्षि सबको लेकर मैं पूरा प्रलय काल का जितना समय है, एक प्रलय काल का जितना समय है उसमें विहार करेंगे, प्रलय पानी में, प्रलय का जो पानी है उसमें हम विचरण करते रहेंगे, ऐसा करना जब आएगा बोट तो ऐसा करना, वो एक जो रस्सा से बांध देना, मेरा ऊपर जो सिंह है सांप, ये जो ये बोल रहा है मछली मछली भगवान, बोले मेरा सर पे जो एक सिंह देखोगे, सिंह का साथ रस्सा को बंद होगे, हाँ, और खींचते रहेंगे हम, वो रस्सा भी ऑर्डिनरी नहीं है, शेषनाग, ऐसा करके प्रलयकालीन हैं ये मैं विहार करते रहे, बासुकी नाग को बांध दिया था, ऐसा करके विहार कर दें, और उस समय में तुमको बहुत सारे उपदेश देंगे सब कुछ, ऐसा करके बढ़ाओ, ये जो ब्रह्म सनातनम, ये सनातन ब्रह्म प्रलयकालीन समय में विहार किया था मत्स्य भगवान, सत्यव्रत जो राजा को कृपा किए थे बहुत सारे कृपा, ऐसा करके अष्टम स्कंदों का जो छोटा मोटा छोटा चर्चा है, चर्चा मोटा मोटी हो पाया, पूरा तो होना मुश्किल है, बहुत दिन से चर्चा होना पड़ेगा तब हो पाए। अब इधर जो है
चर्चा होते होते काल हम बताया था जितना सारे मनु हैं, मनु लोग का बारे में बताया, 14 मनु, 14 मनु का अलग अलग हम चर्चा किया था, कौन सी मनंतर में क्या हुआ था, ये सब बारे में हम चर्चा किया। इसमें जो है पूरा नवम स्कंद में विशेष है, पूरा वंशावली का उसका जो खानदान है इसका व्याख्या। एक बात हमारा याद आ गया, एक बात याद आ गया, ये नहीं बोलने से तुम्हारा सिद्धांत तो गलत हो सकता। प्रहलाद महाराज को जो नृसिंहदेव बोला था, बोले थे ना 21 पीढ़ी तक तड़ जाए, 21 पीढ़ी जो शब्द हम यूज किया, लेकिन उधर जो भागवत का शब्द है वो जो शब्द है इसका माने ऐसे ही करो तो ठीक, नहीं तो समझने का टाइम उल्टा हो जाएगा। बोले उधर लिखा था तुम्हारा त्रिसप्त पिता माता जिसका साथ तुम्हारा संबंध है वो तड़ जाएगा। ये वहां वैसा नहीं था, ये वाक्य नहीं था कि तुम्हारा 21 पीढ़ी तो बोलने का हम बोल दिया, अगर गलत सिद्धांत करो तो उल्टा हो जाएगा। त्रिसप्त भीर पिता भी पिता माता जो है वो है अर्थात त्रिसप्त में 3 × 7 त्रिसप्त मतलब 3 × 7 = 21। ये 21 पीढ़ी जो बोला, पीढ़ी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा तो हम बोला, नहीं बोलने से दूसरा कोई शब्द है ही नहीं। बोले तुम्हारा जो संबंध जुड़ा हुआ 3 पीढ़ी मतलब तुम्हारा सा संबंध जुड़ा हुआ जो है वो पिता माता सारे, ये बात को ध्यान रखना। बाद में हम जब अगर समय मिले तो और चर्चा करेंगे। इधर नवम स्कंदों का चर्चा शुरुआत हुआ, आज ही नवम स्कंदों खत्म होना चाहिए, और सायंकालीन अधिवेशन में विशेष कर राम जी का चरित्र आदि सब चर्चा हो पाएगा। और अभी जो है नवम स्कंद शुरुआत हुआ, हम पहले भी बताएं 14 मनु का अलग अलग जो पोजीशन है, कब कौन मनु, सवर्णी मनु, दक्ष सवर्णी मनु, सब बताया था, कौन मनु का समय में भगवान किस रूप पकड़कर इंद्र जी को सहायता किया, सारे सब चर्चा किया। इस सब विषय में चर्चा चाक्षुष मन्नंतर, रोईवत मन्नंतर है, ये सब सावर्णी मन्नंतर, दक्ष सावर्णी मन्नंतर, सारे जितना मन्नंतर है 14 मन्नंतर, एक एक मन्नंतर में एक एक मनु जी अपना पूरा परिस्थिति को संभालते रहते हैं, इस बारे में बोला। आज जो श्लोक दे के शुरू किया उसका भी व्याख्या हम सायंकालीन अधिवेशन में करेंगे। आप सोचोगे अनंत विश्व ये जो है, और ये विश्व को कैसे संभाले ठाकुर जी, अनंत विश्व, अनंत इन्फिनिटी विश्व को, हाँ थोड़ा अपना शरीर को भी संभाल नहीं सकते हो तो क्या करोगे सेवा गुरु वैष्णव का, अपना शरीर और मन को भी संभाल नहीं, जो अपना बोल के मानते हो उसको ही संभाल नहीं होता, या तो कपड़ा गंदा लेता है तो बिस्तारा खराब हो जाता है, या तो आरती नहीं होता ये तो खाना इधर उधर हो जाता है। ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, हम तो हमारा ऊपर गुस्सा हो जाता वर्तमान जो सब लोग हैं, हम बोला देखो उल्टा सीधा मत बोलो, पहले ये जो आप लोगों का जो मठ में लोग आया है जितना, इस सबको कंट्रोल करो, पहले भजन बाद में करे, पहले सब कोई का अभ्यास को सुधारो, जितना सारे बद अभ्यास हो गया, व्यासन लग गया, कोई रेडियो नहीं सुन के रह नहीं सकता, मोबाइल का उल्टा, मोबाइल में इंटरनेट चलाए उल्टा पलटा, अखबार पढ़े किस मतलब का है, तुम हरिकथा नहीं सुन सकते हो तो अखबार लेके 2 घंटा, ये सब तो हम सहन नहीं करेंगे, हाँ ये सब हमारा काम नहीं है। तो जो भी है हम बार बार विनती करते हैं, जितना सारे आदमी रहता है ये लोगों का आदत जो है, अभ्यास जो है इसको बदलो पहले, जब तक आदत ना बदले तब तक कुछ नहीं होगा, ये जो आदत को पूरा बदलो, बदल के पूरा सही ढंग से रास्ता पे आओ, उसका बाद भजन करोगे, नहीं तो घर चले जाना अच्छा है, तो उल्टा अपराध होगा, घर चले जाओ नौकरी चाकरी करो रहो, हम त्यागी प्रभु भक्तिविनोद ठाकुर का भाव, जब त्यागी व्यक्ति का संख्या बढ़ गया समाज में तो ये सोचना ये कोली का एक गेम है, भक्तिविनोद ठाकुर का कहना, हमारा कहना नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला जब देखोगे त्यागी का संख्या बढ़ गया तो ये सोच के रहना तो उसमें कुछ मामला कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, त्यागी उतना सीधा नहीं,
ठाकुर जी का चरण में हर कुछ दे दिया तब हो सकता है, उतना जल्दी नहीं। चलो ये तो अभ्यास में है, अभ्यास करो, अभ्यास करते रहो। अभ्यास योग में माना नहीं है, अभ्यास करो लेकिन चेष्टा रखो चेंज करने का। आदत अगर बुरा बन जाए तो मुश्किल। बस अभी नवम स्कंद में मुझे श्राद्धदेव मनु हैं, ये ब्रह्मा का मानस पुत्र मरीचि, मरीचि का पुत्र कश्यप और दक्ष दुहिति आदिति, ये कश्यप का पत्नी, उसके गर्भ में भी इसका गर्भ में विवत्सन जन्मगुण के विवत्सन का पुत्र मनु, विवत्सन का पुत्र मनु, और इसके नाम ही है विवत्सन का पुत्र जो मनु है इसका ही नाम श्राद्धदेव। और भगवान श्री कृष्ण गीता में जो बोला आप देखा, हम ये तत्व जो है हम मनु को बताया था, मनु से विवत्सन ये आया है ना, मनोवे प्राहो ममो मनो विवक्षक, ये विवत्सने विवत्सन को बताया था, हम मनु को बताया था, यही है वो, ये है वैसे। इसके बाद ये महाकाल की प्रभाव है, ये प्रभाव के द्वारा ये दिव्य ज्ञान खो गया, प्रलय वेद संगीताम जो है इसके द्वारा पूरा खो गया। दिन दिन पे दिन ऐसा हो रहा है कि गण ज्ञान दिव्य ज्ञान ह्रास हो रहा है, क्योंकि वो पावर को लेने वाला कोई आदमी नहीं है। पावर को गुरुजी से पूरा ले तो उसका और रहेगा, लेने वाला कोई नहीं है। इसे धीरे धीरे दिव्य ज्ञान का जो जो पावर है धीरे धीरे कमती होते जा रहा है, कि कोई तो ग्रहण नहीं करने वाला है, बहुत मुश्किल से हो रहा है। अभी ये जो विवत्सन का पुत्र जो मनु है, मनु जो है, मनु इसका नाम है श्राद्धदेव मनु। अब मनु का कोई लड़का लड़की नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, और इस अवस्था में क्या कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बड़ा यज्ञ का आयोजन की, पुत्रेश यज्ञ। वेदों में ऐसा है कि पुत्र प्राप्त के लिए यज्ञ करो तो पुत्र हो जाएगा, ऐसा व्यवस्था है, लेकिन ये नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी को सेवा करो, ठाकुर जी का भजन करो, और कोई कामना वासना हृदय में रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई कामना वासना चाहे हमारा कुछ मिले अच्छा, जिसको तुम प्रसाद बोलते हो उत्तम प्रसाद, और उसके बाद आप सूखा रूखा रोटी, दोनों में संतुष्ट रहो, कुछ नहीं मिलते आपका इधर कितना जरा अच्छा अच्छा दे हम कहाँ फेंके, तो फिर ये अभ्यास बना लेंगे क्या? हम कभी नहीं बनाएंगे, जीते जी हम अभ्यास नहीं बनाएंगे, हमारा वो माधुकुरी उसी में हम जिएंगे, और तुम्हारा खाना तुम रख दो हम इसी में अभ्यास कर ले, बाद में क्या होगा, फिर चिंता आ जाएगा हमको, कोई दे घी कौन देगा, दूध कौन देगा, हम वजन छूट जाएगा उसी का चक्कर में एक दफे ये प्रभुपाद बोलते हैं गीतार संसार बोलते हैं गीता का संसार, मतलब क्या क्या गुरु जी एक गीता दिया है शिष्य को, गीता को संभाल कर रखना पाठ करना, और चूहा आके गीता को काट देता, क्या करे, चूहा बड़ा बदमाश है, कैसे क्या किया जाए। गांव का बोले महाराज ऐसा करो बिल्ली लगा लो, बिल्ली को रखो चूहा हट जाएगा, ये तो सीधा बात है बिल्ली को रख लिया, बिल्ली जब रखा बोले महाराज बिल्ली को क्या खाने दे, हम तो रोटी सूखी सूखा सूखा रोटक, बोले नहीं दूध चाहिए, नहीं तो दूध तो भिक्का नहीं देगे, तो गोपालन करो, गोपालन किया, गोपालन के चक्कर में सेरा घास फूस लाओ, गौ माता को सेवा करो, ऐसा किया सारे, उसका लिए एक लड़का रखा, ऐसा करके गीता का पूरा संसार हो गया, पूरा विराट एक गीता का चक्कर के पूरा संसार, ये है हमारा गीता का संसार। हमारा ये गौड़िया मठ गीता का संसार नहीं है, ये गौड़ांग महापू का संसार, इसको संभालने के लिए दूसरा बुद्धि ठीक होना चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। जो भी है लड़का लड़की, ये हमारा जितना सारे समस्या, ये गुरु वैष्णव का जो भजन बल है इससे तो चला जाए, लेकिन उचित नहीं। गुरु वैष्णव का जो भजन का जो पावर है इसके द्वारा ये सब सुविधा नहीं लेनी चाहिए, लेने से उल्टा हो जाएगा बाद में, अभी तो सुविधा मिला बाद में उल्टा हो जाएगा, पखंडी बन जाता है आदमी। तो अपुत्र कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ होने के बाद होता बोले क्या चाहिए, लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए, राजा बोला कि हमको लड़का चाहिए, और रानी
रानी बाद में आई आके होता को बोले लड़की देना बिल्कुल, और राजा का चलता ही नहीं, सब घर में रानी का ही चलता है, राजा का चलता नहीं, हर घर में जाओ देखो रानी का ही चलता है, राजा का कोई नहीं। राजा को चुप करा दे, चुप हो जाओ मैं जो बोलूं वो चले, हर घर में रानी का ही चलता है, राजा का नहीं चलता। चाहे आत्मदेव हो और जो कुछ भी हो, हर घर में एक ही हालत है। तो इधर जो है अभी रानी आके कहेगी कि हमको कन्या चाहिए, कन्या हो गया। राजा बड़ा गुस्सा में, क्या कर रहे हो आप लोग, शुद्ध हो आप, आपको हम बोला कि लड़का चाहिए तो आप लोग क्या ब्राह्मण इतना तेजस्वी है, आपका क्या गलती हो गया, क्या क्या हो गया, क्यों बेटी हो गया। बोले महाराज हम क्या करें, आपका बीबी आके बोल के गया, बीबी बोले हमको नहीं चाहिए लड़की, बात झगड़ा आ गया। तो फिर उसका बात क्या हुआ, वशिष्ठ मुनि बड़ा दुखी हुए, बोले ठीक है तुम चुप हो जा, दुख मत करो, हम अपना भजन बल से उसको लड़का बना देंगे, लड़की को। तो ऐसा करके उसको क्या किया, इसका बाद उसको लड़का बना दिया, उसका नाम, इसका नाम दे दिया शुद्धुन्नो। और शुद्धुन्नो क्या किया, शुद्ध लड़का बना दिया, अपना भजन का पावर से, देखो अपना भजन का पावर से ये सब होता है। आजकल के जमाने में साइंस ऐसा हो गया, वो लड़का होते होते लड़की एक ही जिंदगी में। हम सुन के पागल हो गया, अमेरिका में हुआ, बोले उसको पूरा ऑपरेशन में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किया करके वो लड़का को लड़की बना दो, हरे राम बना दिया। हम नाम नहीं बोलेंगे, ये सब भजन का मसला है। हम सुनते हैरान हो गए, वह बात क्या है, कर दिया। वो मर गया अभी, जो कि जो है बड़ा कलाकार था बड़ा, वो सब नाम लेने से हमारा जीवा दूषित हो जाएगा, वो सब नाम नहीं लेंगे, सब पशु से भी अधम, नाम नहीं लेंगे। ये तो तुम्हारा हालत है। शुद्धुन्नो किया, शुद्धुन्नो अभी मनु जो है, मनु बाद में भजन करने के लिए जंगल में चले गए और शुद्धुन्नो के बैठा के गए। शुद्धुन्नो अभी भजन, शुद्धुन्नो अभी क्या किया, राज सिंहासन में बैठे और शिकार करने के लिए जंगल को गए। जंगल जाते जाते घूमते फिरते क्या हुआ, एक जगह घुसा तो देखा, अरे एक जगह घुसते सारे जो अपना मंत्री को लेके गया, घोड़ा सब जितना सारे गया, सब लड़की बन गया, घोड़ा घटकी हो गया और सब एक दूसरे के देखते लगे, अरे लड़की कैसे बन गया, हम लोग लड़का तो था, हम लोग ये कैसे हो गया, देखते रह गए, बड़ा अजब की बात है। शिकार करते करते इधर आया, वो सब लड़की बन गया, हैरान की बात है, राज्य में जाए कैसे, शर्म की बात है, राजा है। उसके बाद इसका एक कहानी है, इलावित्र बोल के एक जगह है, वह हरो गौरी एक दफे क्रीड़ा कर रहे थे और अपना हरो गौरी शंकर पार्वती अपना में आपस में सा, वो उस समय एक ऋषि जो है, कोई ऋषि वो सब आ गया था, आ गया था हरो गौरी। और एक दफे ऋषि लोग जो है शंकर का दर्शन करने के लिए आए और देखे हरो गौरी लीला कर रहे हैं, तो बोले इधर पिता माता लीला कर, पिता माता का लीला देखना नहीं चाहिए, वो वापस चला गया, ठीक है व्यस्त है चला गया। इस समय पार्वती बड़ा लज्जा भाई लज्जित हुई और स्वामी को बोले कैसा है देखो, बोले पिए कोई चिंता नहीं, आज से ऐसा कर देंगे ये जगह, कोई भी घुसे तो लड़की हो जाए, लड़का नहीं रहेगा, तब तो तुम्हारा शर्म की बात है, कोई बात नहीं। ऐसा करके शुद्धुन्नो इसी जगह को मालूम नहीं था और घुस गया था उसी जगह और फिर लड़की बन गई। अब आए कैसे, बड़ा दुखी भाई। और गुरुजी जो है, खानदान का गुरुजी है, कौन, वशिष्ठ मुनि, गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी बोले ऐसा कैसे हुआ, बोले इधर गया, बोला हाँ वो तो होगा ही, तुम होगा क्यों गया, हमको मालूम नहीं था, वो तुम लोग तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तो ऐसा करो हम शंकर भगवान का आराधना करें, ठहर जाओ थोड़ा दिन, छुप के रहो, प्रजा लोगों को पता ना चले कि तुम लड़की हो गया है, हो गई हो। तो शंकर भगवान का बड़ा हरी आराधना किया, शंकर भगवान बोले क्या चाहिए, बोले इसको हम तो लड़का बनाया था, अब आप फिर लड़की बन गया, अब क्या करें, आपको उसको लड़का बना दो,
शंकर भोला देखो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा इधर जो वचन है वचन तो झूठा हो जाएगा। तो ऐसा कर सकता, तुम्हारा भी आधा वचन रहे मेरा भी आधा वचन रहे और तब एक महीना वो स्त्री रहे एक महीना पुरुष रहे, ऐसा कर दे। बोले चलो ठीक है, शुद्धनो जाके एक महीना राजगद्दी पे बैठे, जब एक महीना हो जाए फिर शर्म कुबारे घूमटा लगा के गोपन में चले जाए गुप्त अवस्था में। इसमें प्रजालोक बड़ा दुखी भाई, प्रजालोक बोले ऐसा नहीं चला, कैसा राजा है ये बेकार, ऐसा नहीं चलेगा, बोल के दुखी भय। ये मनु का जो पुत्र है इसमें मनु का जो है ये मनु का पुत्रगण जो है मनु जो पुत्र जो है इक्खाकू निगो निगोराज का नाम सुना है, इक्खाकू का नाम सुना, बहुत सारे बात हम नहीं बताएंगे, सिर्फ नाम, ये नाम जो है ये नाम सुनने का साथ साथ ही आपका मंगल होगा। नाम सिर्फ नाम, नवम स्कंद में जो नाम की चर्चा है, सिर्फ नाम सुनोगे तो आप बड़ा मंगल होगा, इतना सुंदर है। तो इक्खाकू उसके बाद निगो महाराज सरजाति दृष्टो धृष्टो करुष नरिष्यत पृषद नभग कवि, जो नभग है इसका नभग नभग नंदन जो है ये नभग आ नभग नंदन वो अम्बरीश आएगा, ये सब प्रसंग बाद में आएगा, बहुत सारे बात है हम सर बात उठाएंगे नहीं, इसमें आप समझे नहीं पाओगे। तो ये जो है इसमें इक्खाकू का नाम सुने होंगे, इक्खाकू निगोराज सरयाति, निगोराज का भी बड़ा नाम है, बड़ा दानियों में नाम आता है, बड़ा दानी ये निगोराज जो है, इसका प्रसंग आएगा देखोगे दसवें स्कंद में, निगोराज इतना बड़ा दानी है फिर भी उसको बड़ा शास्ति मिला। कैसा शास्ति, भले उसको एक किकोलास जन्म हुआ था, किकोलास बन के कुएं में गिरा हुआ था, इसका प्रसंग आएगा दसवें स्कंद में। अब जब इतना सारे कृष्ण भगवान ने उसको उठाया, प्रसंग हम डिटेल्स बोलेंगे बाद में, अभी तो थोड़ा स्पर्श कर रहा है, उठाया था उसको और जगतवासी के सामने ब्रह्मोच्च हरण, कभी भी ब्राह्मण वैष्णव का चीज का हरण मत करो, अनंत काल मरोगे, ब्रह्म वस्तु का हरण मत करो, विधवा का जो वस्तु है उसको हरण मत करो, इस करने से कभी भी आपका मंगल नहीं होगा। निगोराज जो है, निगोराज निर्दोष है, बड़ा भारी राजा है, इतना सारा यज्ञ किया, इतना दान पुण्य किए, अब क्या करे बेचारा, क्या करे बेचारा, अभी उसका पनिशमेंट मिला निगोराज को। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस मसला को खोला सब कोई का सामने दिखाने के लिए, देखो इन्होंने कुछ नहीं किया किया फिर भी इसको इतना बड़ा शास्ति मिला। क्या किए, पहले निगोराज बोले महाराज हमने कुछ नहीं की, बड़ा बहुत दान पुण्य किए, बहुत पूरे जगत में अगर दानी दानी व्यक्तियों में किसी का नाम आता है तो निगोराज का नाम पहले आएगा, निगोराज हरिश्चंद्र इसका नाम आता है, पर मैं क्या करूं, मेरा ऐसा है कि नसीब खराब है मेरा, गोदान किया था एक दफे, बहुत गोदान किया, एक दफे गोदान किया और ब्राह्मणों ने लेके चला गया और एक गौ माता एक ब्राह्मण का घर से दूसरे ब्राह्मण के घर में चला गया, ये हमारा कोई कसूर नहीं है। वो ब्राह्मण आके मेरे को शिकायत किया कि आपने मेरे को एक गौ माता दान की और गौ माता वो उसका उधर वो चला गया, कैसे वो ले लिया। राजन बोले हम समाधान करेंगे, दोनों ब्राह्मण को बुलाए, बोले महाराज ये इसका 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 ये है गौ माता है, भाई कोई क्या प्रमाण है इसका है, हम नहीं देंगे। तो ये ब्राह्मण को बोले महाराज आप मान जाओ, आपको इसके बदले में हजारों गौ माता हम दे देते। नहीं, हमको हजारों गौ माता नहीं चाहिए, वो गौ माता चाहिए। बोले हम क्या करें, दोनों में लड़ाई और सांप आ गया, मैं किकलास जन्म हो गया। देखो हमने कोई कसूर नहीं किया, हम बोला देखो इसका बदले में हजारों गौ माता दे रहा है, नहीं लेंगे, वही गौ माता हमको चाहिए। इतने में झगड़ा हो गया और ब्रह्मोत्सव हरण का दोष लगा मेरा, हम तो कुछ नहीं किए, बस मेरा किकलास जन्म हुआ। बाद में कृष्ण चरण का स्पर्श के द्वारा फिर उसका सही स्वरूप हुआ, किकलास जन्म का जो साप था वो मिट गया। ये जो पूरा जो है इसमें जो बहुत सारे घटना आता है, हम तो ये मनुपुत्रों में
निगोराज का बात उठाया थोड़ा इंडिकेशन, बाकी सारे जितना सारे मनुपुत्र है सब एक एक बहुत सारे घटना है। हम सरजाति का बात को उठाए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम बताएंगे। नवभक का तो बात बताना ही पड़ेगा, नहीं तो अम्बरीश आए ना, अम्बरीश का विचार आएगा। अम्बरीश महाराज भागवत बोलते ही बित्तासुर अम्बरीश, भागवत कथा बोलने का साथ साथ भाई भागवत कौन सी ये है, बोला जहां बित्तासुर जहां अम्बरीश का प्रसंग है, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज, ये छोड़ के होता ही नहीं, जाम करके जाओ तो संभव नहीं। सर जाति का प्रसंग है, मनुपुत्र सर जाति, उसका कन्या है सुकन्या, सुकन्या नाम का एक कन्या, उसको लेके घूमने गए एक जगह उद्यान पे बहुत दूर, वहाँ जाके हुआ था चवन मुनि का, चवन ऋषि का आश्रम है, चवन ऋषि का आश्रम। आप बच्चा लोगों को पता नहीं कि चवन ऋषि का आश्रम है, और चवन ऋषि भजन कर रहे हैं बहुत जुग जुग से, किसी को पता नहीं। उस वो जो बच्चा है सुकन्या, वो खेलते खेलते अपना सहेली का साथ इधर उधर भटकते हुए गई, और जाके देखा अरे सहेली देख इधर से कितना ज्योति आ रहा है ना, बोले आपस में खेलते खेलते क्या की अपना जो चूल का जो कांटे हैं, कांटे लेके ये जो दो ज्योति आ रहा था उसमें घुसा दिया, घुसाने से तुम खून आना शुरू कर दिया, डर के मारे भागे पिताजी का पास। इधर सारे जितना मंत्री लोग है राजा है जो भी गया था सब कोई का लोगु शंका गुरु शंका सब बंद हो गया, लोगु शंका बंद, लोगु शंका जब बंद हो गया बाप रे मरने का हालात हो गया, क्या हुआ सबका लोगु शंका बंद है। हार राजन ने चिल्ला के बोला तुम लोगों ने किसी ने कुछ हरकतें की होगी जरूर, ये चवन ऋषि का आश्रम में कुछ अपराध किया होगा, नहीं तो ये सबका एक कष्ट हो रहा है उपस्थित है, ये तो हो ही नहीं सकता, बोलो कौन क्या किया है। तो सुकन्या ने कहा पिताजी मैंने किया। तो क्या की, बोले यहाँ जाके एक जगह हम देखा ज्योति आ रहा है, हमारा मस्तक का जो चूल का जो कांटे हैं कांटे से पिता हाय राम ये क्या किया कहाँ ले चलो मेरे को लेके देखे हाय हाय, चवन ऋषि का आंखों को फोड़ दिया लड़की ने बच्चा, पैर में गिरकर एकदम वो रोना धुना रहा, आप बचाओ मेरे को हे चवन ऋषि, हमारा ये बच्चा है वो कुछ नहीं जानती, कुछ भी कर दिया बचा लो करके पैर पकड़ा। पैर पकड़ने का बात क्या हुआ, पैर पकड़ने का बात क्या हुआ, उसके बाद बोले ये कन्ना जो ऐसा बदमाशी की वो तो जानते नहीं बच्चा है, तो इसी लड़का को ही आपको दे देंगे शादी करा देंगे ऐसा करके। तो जब शादी भाई तो चौवन ऋषि ने सोचा हम तो बुढ़ा बन गए, इतना सौ सौ साल जुग जुग से मैं भजन करती हूँ, वो काल का बेटी है छोटे ये मेरा पत्नी बने कैसे हो सकता, दुनिया हाँसी उड़ाएगा आप मेरा उम्र है ऐसा किए। तो चौवन ऋषि और जो श्री कुमारोदय स्वर्ग का जो वैद्य है डॉक्टर है उसको बुलाए, बोले देखो ऐसा है कि मैं अपना भजन का पावर से तुम लोगों को सोमरस पान करने का अधिकार दे दे, सोमरस सोमरस जानते हो, सोमरस यज्ञ में जो सोमरस होता है, देखो तुम तो जाति तुम तो वैद्य हो, वैद्यों को सोमरस नहीं दिया जाता है स्वर्गों में नियम है, लेकिन हम अपना पावर से तुमको सोमरस दिलाएंगे, सोमरस पान करोगे हर यज्ञों में तुमको दिया जाएगा, और तुम एक काम करो मेरे को नवो जौवन दे दो। बोले ऋषि एक काम करो इस सरोवर में सब औषधि इस सरोवर में डुबकी लगाओ, सारे औषधि दे दिया और जो करना है कर दिया, अमृतमय औषधि दे दिया इसमें, आप नहा लो आपका आंखें आदि सब ठीक हो जाएगा, और वो जो औषधि में वो जो कुंड में वो नहाने के लिए डूबा, डूबने के बाद जो उठा तो देखा नया एकदम बाप रे बाप जैसे अश्विनी कुमार दोनों ऐसा ही देखने में। सुकन्या बड़ा घबरा घबरा के कह दी हे सामिन ये तीनों में हमारा सामी कौन है, हमारा तो व्यभिचार हो जाएगा, आप बता दो तीनों में कौन सामी है, देखने में तो एक जैसा है इतना सुंदर तीनों एकदम नौजवान। तो बाद में अश्विनी कुमार देवल ये तुम्हारा सामिन है, सामी को लेकर संसार किया सुंदर। एक दफे सरजाती आया बेटिया रानी को देखने के लिए, आने के बाद फटकार लगाया तुम व्यभिचारी नहीं हो है क्यों दूसरा सा देखो चौवन ऋषि पूज्य है जगत का है, बूढ़ा स्वामी को छोड़कर तुमने नया
बोले पिताजी आपका गलती हो रही है, गलती हो रहा है, यही आपका स्वामी यही है? बोले हाँ यही चवन ऋषि है, चवन ऋषि आपका शरीर को चेंज कर दिया, परिवर्तन हो गया। ऐसा करके जो है धीरे धीरे सर जाती आ चवन का। इंद्रो ने बड़ा गुस्सा में आकर बोला चवन ऋषि को, बोला तुमको हम खत्म कर देंगे वज्र लगा के, है तुम्हारा माफी ऋषि नहीं चाहिए, बोल के एकदम वज्रों को उठाया, मार के खत्म कर देंगे आपको। तुमने क्यों ये स्वर्गरा स्वर्गो का जो वैद्य है, वैद्य लोगों को, वैद्य लोग जो है जो वैद्य चिकित्सा काम में लगे रहते हैं, उसको सोमरस सोमरस नहीं दिया जाता, नियम नहीं है शास्त्र में, क्यों दिया? बोल के वज्र मार के मारने के लिए, वज्र मारने के लिए व्यवस्था किया, वज्र उठाया। चवन ऋषि बोला तू वज्र किसको मारे? बोल के हाथ का ऐसा करके रख दिया। चवन ऋषि बोला तेरा हाथ यहीं रह जाएगा, अब वज्र नहीं आएगा मेरे उधर, ऐसा करके लगा दिया, अब वज्र यहाँ रह गया। बस ऐसे करने की हिम्मत नहीं, वज्र मारे कैसे मारे, वज्र स्तंभित कर दिया, इतना पावर है। सरजाति का पुत्र अनर्थ, अनर्थ का पुत्र रेवत, रेवत का पुत्र ककुद्मी, ककुद्मी का पुत्र रेवती। ककुद्मी ये जो रेवती है ये बलदेव जी महाराज का पत्नी, रेवती मैया की जय। रेवती देवी का शादी किससे कराए, क्योंकि कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा है जिसका शादी का शादी जमा दे। तो चिंता हो गया राजा का, राजा बोले काम करे ब्रह्मा का पास जाए, ब्रह्मा जी को पूछने के लिए आपका सृष्टि का अंदर में कोई ऐसा लड़का है जिसका साथ मेरा बिटिया रानी का शादी बना दे। बोला ब्रह्मा जी का पास गए तो ब्रह्मा जी थोड़ा व्यस्त थे, थोड़ा सभा चल रहा था, थोड़ा रुक गया। रुकने के बाद अब जब सभा खत्म हो गया, बोले आप सभा में थे, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सका, अब तो समय आपको पूछने को, क्यों आए, कैसे कैसे आना पड़ा? बोले ऐसे आए, हमारा बिटिया रानी का लड़का नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई लड़का बताओ। तो ब्रह्मा ने हंस दिया, अब तो लड़का और नहीं मिलेगा। बोल क्यों? बोले आप तो आए हो मेरा उधर ब्रह्मलोक में, और जितना समय व्यतीत हो गया इसमें सत्तो तेता धापर सब चला गया, तेता जाके धापर आ गया। बोले हाय राम महाराज, हम तो आपका साथ देखा करने के लिए आया, देखा करने के लिए आया इतना समय के लिए, उस समय के अंदर पूरा सत्यजुग चला गया, तापर युग तेता युग चला गया, अब दापर आ गया, अब दापर का भी अंत है। बोले हाय राम, बोले हाँ ऐसा ही है, मेरा इधर जो समय है उधर समय अलग है, मेरा उधर जो समय है वो टाइम अलग है, उधर का घड़ी अलग है, ये घड़ी नहीं चलेगा उधर, कैसा करे? आप जाओगे तो और नहीं मिलेगा बेटा, तो छोटा छोटा हो गया माद भी सब, पहले तो लंबा था बहुत, मुचुकुंदो क्या बड़ा लंबा, एकदम नींद से उठा बाप रे मुचुकुंदो, जब नींद भांगा सत्यजुग का बड़ा लंबा है। मैं देखिए सारी छोटा छोटा हो गया, अरे इतना छोटा मान में तो कैसे हो गया? बोला कलियुग आ गया प्राय, वो सत्य तेता युग द्वापर युग जाके कलियुग का प्रारंभ होने जा रहा है, इससे छोटा हो गया। ऐसा करके ब्रह्मा बोले तुम्हारा ये लड़का लड़की का योग्य है, एकमात्र तो बलदेव जी महाराज कृष्ण का भैया है, जाओ उसी का साथ शादी जमा दो। ब्रह्मा बोल दिया तो बलदेव जी महाराज के पास शादी कराने के लिए आए। बलदेव जी महाराज और उसको जो बीवी तो लंबा, बीवी को छोटा कर दिया और छोटा हो जाओ। ऐसा करके बड़ा आश्चर्य लगेगा, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जैसे कुब्जा है, कुब्जा ऐसे टेढ़ी, टेढ़ी को कैसे सीधा बना दिया कृष्ण, है सीधा बना दिया एकदम पूरा, ये जगत का बात नहीं। उसके बाद जो है जो नभग का बात आएगा, मनुपुत्र नभग पुत्र नभग है, नभग गुरुकुल में वास किया है। जब नभग गुरुकुल में वास किया उस समय में भैया लोग ने बड़ा बदमाशी की, पिताजी का जितना सारे संपत्ति है सारे ले लिया है बंटवारा करके, और भैया जो है गुरुकुल में उसका लिए कुछ नहीं रखा। पिताजी का जितना सारे संपत्ति जायदाद है सारे आपस में बांट लिया, और भैया जो है भैया का लिए कुछ रखा ही नहीं। जब भैया आके बोले तो तुमने सारे तुम लोगों ने बांट लिया कि मेरा संपत्ति क्या है? बोला तेरा संपत्ति है बूढ़ा बाबा। बूढ़ा बाबा कोई संपत्ति होता है? बोले बूढ़ा बाबा को बोला देखो भैया लोग बोल रहा है बूढ़ा बाबा तेरा संपत्ति। बूढ़ा बाबा बोला देखो वो तो झूठा बोल रहा है,
बाबा कोई किसी का संपत्ति होता है, है? हम बूढ़ा है, बोले ये तो बदमाशी किया, सारे ले लिया, तो बेटा लड़ाई मत करो, जो लिया तो लिया, तुम एक ऐसा कम करो, तुमको हम दूसरा रास्ता बता देते। पिता को जब पूछा संपत्ति, वो लोग तो हमको नहीं दिया, बोले छोड़ दो, अब तो बदमाश है ये लोग, सब ले लिया, सब तुम्हारा ऐसा है, सब आत्मसात कर लिया, झूठा बोला। और जो भी है अंगिरस मुनि, अंगिरस गोत्रीय जो मुनिगण, सब एक बड़ा यज्ञ कर रहा है हिमालय का सानुदेश, हिमालय का सानुदेश में तुम उधर जाओ, वो वहाँ जाके मैं क्या करूँ। बोले अंगिरस गोत्रीय जो मुनि सब यज्ञ कर रहे हैं, हैं उसको सुक्तो जो है षष्ठ दिन का कृत्य, सुक्तो जो वेद पाठ का सुक्तो है, और कभी कभी गलती कर रहा है, तुम जाके उधर सहायता कर दो उन लोगों को, उसमें क्या होगा। बोलो संतुष्ट होके बाद में जो को खत्म करके जाए, जितना संपत्ति रह जाएगा उधर, सारे बहुत सारे संपत्ति है, हीरे चांदी मोनी मानिक सब है, जो को जब खत्म हो जाए, जो जो शेष रह जाएगा वो तुम्हारा ही बन जाएगा, तुमको दे के चला जाए, ऐसा है। तो वो जाके अंगिरस गोत्री, अंगिरस जो ऋषि जो है, अंगिरस मुनिगण जो यज्ञ जो सत्र कर रहा था, वो यज्ञ कर रहा था, वहाँ जाके उसका जो षष्ठ दिन का कृत्य है और उसका जो ऋचा है वेद का पाठ में सहायता कर दी। सहायता करने के बाद जाने का टाइम में बड़ा संतुष्ट हुआ, बोले संपत्ति तुम्हारा है, बाकी जो रह गया वो आप ले लो। वो संपत्ति लेने गया तो एक काला सा लाल आंखें आ गया सामने, ए क्या ले रहे हो, ये सब हमारा है। बोले आप कौन है, ये तो हमको देखे गया, तुमको देखे गया, जगों का जो शेष है और रुद्र को, रुद्र शेष रखता है, शेष जो है रुद्र का, ये हमारा है, हम रुद्र है हमारा नाम, तुम लेके जाओगे हजम कर सकोगे, ये हमारा है, जाओ अपना पिता को पूछ के आओ। पिता के पास गया, पिताजी हमको तो ये सब ऋषि लोग ने सब दे के गया संपत्ति, लेकिन एक रुद्र जी आए, आके बोले ये हमारा है, तुम क्यों ले जा रहे हो, जगों का भाग जो है शेष जो है ये तो हमारा है, बोल के बोल रहा है, हाँ हम क्या करें। पिताजी बोले है बेटा ये तो सही बात है, रुद्र भगवान का ही है, ये तुम्हारा नहीं है। वो जाके बोला हमारा पिताजी ने बताया कि आपका ही है, ये हमारा नहीं है, फिर आप ले लो, हमको नहीं चाहिए। उसका सत्य निष्ठा, उसको उसका जो सत्य निष्ठा देखकर बड़ा भारी प्रसन्न भए, बोले जाओ अब तुम ले लो, तुमको सब दे दिया, संतुष्ट हुआ, अब तुम्हारा सत्य निष्ठा देख के मेरा भारी बड़ा भारी प्रसन्न हुआ, तो आप ले लो जाओ। देखे नाभाग का ऊपर बड़ा प्रसन्न हुआ, नाभाग बड़ा भारी संपत्ति, बहुत सारे जितना सारे संपत्ति का मालिक हुआ। वो नाभाग पुत्र उसका नाम है अम्बरीश, जो अम्बरीश का बारे में शास्त्र में आता है सप्तदीप अधिपति ही, सप्तदीप का अधिपति है, सप्तदीप पूरा शासन करते थे, ऐसा पावर है, और ब्राह्मण वैष्णव छोड़कर पूरा जगत को शासन करते थे, पूरा जगत को, ऐसा जो है परिस्थिति। अब इधर जो है नाभाग पुत्र, नाभाग का पुत्र अम्बरीश सप्तदीप का अधिपति, ठाकुर जी का बड़ा आराधना करते थे, इतना सुंदर आराधना कोई भी किसी ने देखा ही नहीं। नौ विधा भक्ति का 9 फोल्ड्स ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस एक ही साथ करते। हमारा चैतन्य चैतन्य है एकांगो साधे किंबा सागे साधे बहु अंगो है निष्ठा हुई तो उपजय प्रेमेतरंग। नौ विधा भक्ति प्रधान है, 64 किस्म का भक्ति का मोड है, उसमें नौ विधा भक्ति जो है वो प्रधान। नौ विधा भक्ति में वे 5 भक्ति अंगों को चैतन्य महापुरुष संक्षिप्त करके जगतवासी को दिए हैं, 5 में एक भी कर ले तो काफी, लेकिन कर नहीं सकता। 9 किस्म का भक्ति प्रहलाद महाराज कहते थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दर्शन, ये सब सारे सक्षम आत्मनिवेद, सारे जितना सारे नौ विधा भक्ति सारे अम्बरीश महाराज ने इतना बड़ा राजा होते हुए भी एक साथ किया। हमारा हरिकथा सुनने के लिए थोड़ा टाइम भी मिल रहा है,
अम्बरीश महाराज इतना सातों दीप चलाते थे, हम इतना छोटा सा संसार कुछ भी नहीं है, बोले हमारा टाइम नहीं मिलता, बुखार आ गया, ये हो गया, फलाना हुआ, सारे हमारा क्या जाएगा आएगा भाई, तुम सुनो नहीं सुनो, हमारा क्या है, क्या घाटा होगा, क्या नुकसान होगा, कुछ है ही नहीं। मैंने बात यह है कि अम्बरीश महाराज सप्तदीप अधिपति बन के भी ठाकुर जी का कथा कीर्तन स्मरण वंदन दास्यम सक्षम आत्मनिवेदन जितना सारे सेवा का मूड है एक ही साथ किया। सप्तदीप अधिपति सात दीप को सारा पृथ्वी को पालन करते हुए कितना पावर, सोचो है, अपना घर में बीवी बीवी बात नहीं सुनता, लड़किया लड़की बात नहीं सुनता, संती सुनती है, और देखो कितना पावर है। पूरा सात दीप का सारे आदमी अम्बरीश महाराज का बात सुनते थे एकदम, इतना पावर है। क्यों? भगवान का भक्ति है, भगवान का भक्ति, भक्ति शक्ति, रुपया का शक्ति शक्ति नहीं है, रुपया का शक्ति शक्ति है भक्ति, भक्ति का जो शक्ति है जिसका सामने ठाकुर जी स्वयं सर झुकाते हैं ऐसा करके, भक्ति शक्ति है। बाकी प्रहलाद महाराज का कौन सी शक्ति था जिस शक्ति के द्वारा हिरण्यकशिपु जैसा असुर के सामने खड़ा होकर बात किया, हाँ ऐसा करके चुपचाप बात किया, कोई डर नहीं, कैसे, किस शक्ति के द्वारा, भक्ति शक्ति, भक्ति शक्ति। आजकल का पॉलिटिकल लीडर हो कोई भी हो, धार्मिक कोई नहीं है, सब अधार्मिक है, इससे समाज का ऐसा हालत है, समाज का ऐसा हालत है, वो अधार्मिक है, धार्मिक नहीं है, बस सारे समस्या कमादा, सत्यानाश हो रहा है, कोई मानेगा नहीं शास्त्रों का बात। देश को चलाना है, समाज संसार को चलाना है, तो जरूर शास्त्रों का अनुशासन का आधार पर चलाना पे, समाज संसार को चलाना है, देश को चलाना है, तो शास्त्रों का विचार का आधार पर चलाना है, नहीं तो कभी भी चलेगा नहीं, कभी भी चलेगा नहीं, कोई भी संसार हो टूट जाएगा, वो चलेगा नहीं। और अम्बरीश महाराज जो है नौविधा भक्ति का प्रसंग बड़ा सुंदर है, पूरा नौ किस्म का भक्ति एक साथ करते थे, सुंदर। और नौविधा भक्ति जो है, ये नौविधा भक्ति के बारे में आता है ये सुंदर। ये एक दिन वो क्या की, अम्बरीश सप्तदीप अम्बरीश पृथ्वी का राजा बने, किंतु सर्वक्षण वासुदेव भगवान का आराधना करते थे, निज महिषी का सहित संवत्सर जावत द्वादश व्रतो धारण करे। द्वादशी का महाद्वादशी का तिथि और एकादशी पालन किए, हाँ शेष रात्रि व्रत का पारण का जो समय आए, इस समय दुर्वासा मुनि जी ने सारे शिष्य आदि लेकर उधर पहुँचे, और जब पहुँचे अतिथि है, अतिथि को छोड़कर खा ले भोजन कर ले उचित नहीं है। अम्बरीश महाराज बड़ा चिंतित हो गए कि दुर्वासा मुनि महाराज जमुना को गए स्नान करने के, स्नान मनाने के लिए, नित्य कर्म करने के लिए, अब कब तक वापस आए, कब, देखो देर हो जा रहा है, जब हम पारण अगर सही ढंग से नहीं कर लें तो हमारा व्रत खराब हो जाएगा। उसके बाद जितना सारे ऋषि मुनि हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण वस्तुओं को पूछा, अब ये स्थिति में क्या करना चाहिए, मेरा व्रत का टाइम हो गया, हम खा ले तो दोष लगे, भोजन कर ले, और ना करे तो मेरा व्रत खराब हो जाए, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। वो लोग शास्त्रों का विचार करके बताए, राजन ऐसा करो, आपका हथेली पे एक बूंद कुश आग्रह मतलब कुश जानते हो, कुश से पानी स्पर्श करके छिटका लगा दो, उसमें जो एक बूंद सोर्सों से भी एकदम ऐसा जो बूंद है, बूंद को लेके कृष्ण को शरण करके खा लो पी लो एक बूंद, वो खाना और पारण करना नहीं करना दोनों भी है, क्योंकि निर्जला है, जो लोग निर्जला उपवास रखते हैं वो पानी के द्वारा पारण हो जाता, और जो लोग फल फूल खाते हैं तो उसको तो पंचोसुस्व खाना चाहिए, और जो निर्जला करे वो पानी काफी है पानी से। तो बोले राजन ऐसा करो, तुम पानी एक छिटका
कुशाग्र में जितना चिट्ठा उससे पारण कर लो। इस पारण करने से आपका व्रत टूटेगा भी नहीं और भोजन भी नहीं होगा, दोष नहीं लगेगा। राजा ने वो पारण कर लिया। बस इतने में दुर्वासा मुनि जो है भजन करते करते आ समझ गया कि राजन मेरे को छोड़ के पारण कर लिया, बस दिखा देंगे सत्यानाश कर देंगे उसका, बोल के एकदम कांपते कांपते आए। आके इतना गुस्सा चढ़ गया कि अम्बरीश को मारने के लिए कृतांत तो जो है ऐसा ऐसा जोटा उखाड़ कर फेंक दिया, अरे मारो इसको बदमाश राजा, इतना धार्मिक राजा है उसको बोलता बदमाश राजा, बोल के उखाड़ के अपना जटा को उखाड़ के फेंक दिया। और उसमें राजा को मारने के लिए भाग रहा है। अम्बरीश महाराज क्या किया, कुछ नहीं किया। अम्बरीश महाराज कुछ नहीं किया, उसी जगह खड़ा हुआ है हाथ जोड़कर, ठाकुर जी अगर मैं अन्याय किया तो मेरा शास्ति, अगर मैं अन्याय किया मेरा खूब शास्ति हो जाए। ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी मैं अगर अन्याय किया खूब शास्ति हो जाए मेरा, अगर अन्याय नहीं किया तो विचार आप करना। ऋषि जी मेरा ऊपर असंतुष्ट हो गया, गुस्सा हो गया, मैं क्या कहाँ जाए कैसे हम बचे। ठाकुर जी को बोला नहीं मेरे को बचाओ, बस इतना प्रार्थना ठाकुर जी को की तो ठाकुर जी सदूर सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र आते जो दुर्वासा मुनि को एकदम भगाया, दुर्गासुर भागते रहे, इधर भागे उधर भागे उधर, अरे बाप रे जहां जाए ये प्रलय काल का मावी जो चक्र है यहाँ एकदम डर के ये आते रहे। ये जो चक्र है उसको पीछा नहीं छोड़ा, पीछा किया एकदम पूरा दुर्वासा मुनि दौड़ते रहे, जोटा उखाड़ गया एकदम खोल गया, जोटा तो ऐसा रहता है जोटा खोल के एकदम ऐसा ऐसा दौड़ रहा है, हाराम हाराम दौड़े हैं। किसी जगह शंकर भगवान के पास गया, वो भी बोला हमको कुछ करने का नहीं है। ब्रह्मा का पास, ब्रह्मा बोला हम क्या करें, ये आपस का मामला है ठाकुर जी का, इसमें हमारा पढ़ना नहीं है भाई, लपड़ा हो जाएगा हम नहीं पढ़ेंगे, जाओ ठाकुर जी का मामला है। बोल के कहाँ जाए, ब्रह्मा कुछ नहीं कर सका, शंकर कुछ नहीं कर सका, हम कहाँ जाए। वह वैकुंठपति ठाकुर जी के पास चला गया, ठाकुर जी ऐसा है, ठाकुर जी कैसे आना पड़ा बताओ हैं। ऋषिवर बोला ऐसा ऐसा, बोला हम तो कुछ करने का है नहीं इस विषय में, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र ही दीजो, ऐसा बोल के बोले हे दीजो हे ऋषिवर, इस विषय में हमारा कुछ करने का नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों का अधीन हूँ, आप भक्तों का चरण में अन्याय किया, आपको अगर भक्तों का चरण में अपराध किया आपको क्षमा मांगना चाहिए, आप भक्तों का चरण में जाओ, उधर जाके अम्बरीश ही आपका समाधान कर सकता है, अम्बरीश महाराज के पास जाओ वहाँ जाके प्रार्थना करो तो आपका समाधान हो जाएगा। ऐसा करके जो प्रार्थना किए तो दुर्वासा मुनि दौड़ते हुए आके अम्बरीश महाराज के चरण में पड़ गया। और राजन तो कांपने शुरू कर, अरे महाराज आप इतना बड़ा ऋषि हो, हम जैसा गृहस्थी के चरण में, हाय हाय ऐसा मत करो, शर्मिंदा हो गया। बोले ना महाराज, आज मेरा समझ में आया कि साधु संतो हम तो बने हैं, लेकिन सबसे बड़ा महिमा जो है भक्तों लोगों का महिमा, ठाकुर जी मेरे को चका दिया आज, हम समझ गया कि भक्तों का जो स्थिति है कितना ऊंचा है। हमने बड़ा अभिमान के साथ सोचा था हम ऋषि हैं, कितना तपस्या किए हैं, लेकिन देखो आपने भगवान का नाम किया, कीर्तन किया, हर वक्त ठाकुर जी का सेवा किया, आपका ऊपर ठाकुर जी इतना संतुष्ट है, हाय हमको तो पता ही नहीं चला, हाय 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 हम आप क्या करें, अपराध हुआ आप क्षमा कर दो। ऐसा करके जब चरण में गिरा, गिरने के बाद क्या की अम्बरीश महाराज ने, वो जो सुदर्शन ऐसा घूमते घूमते आ रहा है, अम्बरीश महाराज जहाँ खड़ा है वहाँ दुर्वासा मुनि आके चरण में गिरा, और चक्रों भी आ रहा है आस्ते आस्ते, और चक्रों का और ऐसा हाथ जोड़ के अम्बरीश महाराज बोले हे प्रभु, अगर मैंने कोई अच्छा व्रत किया, मैंने अगर सेवा वास्तव किया, मेरा वह सेवा के द्वारा अगर सचमुच संतुष्ट भये, तो इस संतुष्टि की खातिर आप ये मुनिवर को बचा दो, इसको मत मारो। बोल के जब प्रार्थना किया तो सुदर्शन आस्ते 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 अपना तेज को संवरण करके ठाकुर जी का पास भाग गए, और अम्बरीश महाराज के सामने महिमा बोलते रहे,
और दुर्वासा मुनि बोले महाराज आज हमको पता चला, हाय हाय कितना बड़ा आप हो, इतना दिन तक सोचते रहे कि हम बड़ा ऋषि है, ये है फलाना है, लेकिन आज पता चला कितना महिमा है आपका हैं। और ऐसा करके अम्बरीश महाराज का सेवा की अम्बरीश महाराज किया। आसौ वै मन कृष्ण पदा रविंद योरवाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने हैं करो तद मंदिरो मर्जनादिषु सुतेन चकारच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालयो दर्शने दिशो हैं तद्भित्त स्पर्शे अंग संगमम इत्यादि नौ विधा भक्ति का जितना मूड है सारे बता दिया। परे जो अम्बरीश महाराज कैसे क्या किया, बल आश्चर्य का कमाल का साधु है, देखने में राजा है, देखने में राजा है, इतना बड़ा राजा है, लेकिन अंतर में इतना बड़ा निष्ठा रखने वाला, इतना बड़ा साधु है, उसका बात कौन बताएगा, इतना बड़ा साधु है, हाय हाय हैं। बोले अपना जो मन को सौ वही मन कृष्ण पदारविंद, हर भगत ठाकुर जी का चरण में लगा दिया मन को, सौ वही मन कृष्ण पदारविंद, बाचांसी बाक क्षमता, कथा बोलने का जो बाक क्षमता, इसको ठाकुर जी का गुणों कीर्तन में लगा दिया, सौ वही मन कृष्ण पदारविंद बाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने अश्रुतिन चकार उच्चित उसत कथोदय, श्रुति श्रवण इंद्र जो है वो समाज का कोई बात सुनने के लिए नहीं, ठाकुर जी का कथा सुनने के लिए लगा है, हस्त तो जो है इसके द्वारा ठाकुर जी का मंदिर मांजन करे, कोई नौकर चौकर कोई नौकर चाकर का ऊपर भरोसा नहीं है, अम्बरीश महाराज खुद रोज अपना मंदिर को साफा करते थे, आप सोचो अम्बरीश महाराज खुद ही साफा करते हैं मंदिर मर्जन आदिशु आदिशु, मतलब मंदिर मर्जन तो है ही, रोसी भी करता था होगा क्या पता, क्योंकि उधर लिखा मंदिर मंजनादिशु आदिशु, मतलब सिर्फ मंदिर मंजन नहीं और भी सेवा होगा, रोसी वसी सब अपना कर लेते ठाकुर जी का भोग का, ऐसा ऊंचा किस्म का है। और मस्तक जो है ठाकुर जी का चरण में वंदन करने के लिए झुकाते थे, और भक्तों का साथ अंग संग हो जाता, क्या महाराज बताओ कैसे कैसे आना पड़ा, बहुत दिना में आया आप, कीपा कर लो, बैठ के बैठाया, प्रेम किया, थोड़ा कथा किया, खुद भोजन पानी दिया, अंग संग हो गया साधु का संग, ऐसा करके पूरा नौविधा भक्ति जो है, नौविधा भक्ति का जो मूड है सारी सब सुंदर जो है सारे कर दिया। इस अम्बरीश महाराज का महिमा बाद में पता चला, ठाकुर जी बोले कि हम पूरा अधीन है, हम पूरा ये गुरु ये जो वैष्णव लोग है साधु है, साधु का अधीन है, सौ वही जो है हम अधीन है, आम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र दीजो। इसमें क्वेश्चन आता है, महाराज भागवत का जो पहला स्कंद का चर्चा किए थे आप, उस समय में आप बोले थे कि जे आप बोले थे महाराज जी ठाकुर जी स्वराट है, भागवत का जो पहला स्कंदों का चर्चा हुआ था, भागवत का जो पहला स्कंदों का चर्चा हुआ था, भागवत का जो पहला स्कंदों का चर्चा हुआ था, उस समय आपने बताए थे जे ठाकुर जी स्वराट है, अभी बोल रहे हो अधीन है, कैसा बात है, झूठा बताते हो क्या? ठाकुर जी बोले नहीं झूठा नहीं बताते, ठाकुर जी स्वराट है, किसी का अधीन नहीं है ठाकुर जी, फिर भी ठाकुर जी भक्तों का अधीन है, इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी प्रेम का अधीन, प्यार का अधीन, ठाकुर जी को प्रेम प्यार के द्वारा सेवा के द्वारा किसी ने अधीन बना लिया, इसमें उसका स्वराटत्व उसका जो स्वराटत्व तो, इसका कोई नाश नहीं होता, ठाकुर जी का स्वराटत्व तो स्वराटत्व तो है ही है, ठाकुर जी जो स्वराट है स्वराट भूमिका में है ही है, और वक्त ठाकुर जी हर वक्त स्वराट है, लेकिन होते हुए भी भक्तों का जो प्रेम का अधीन हो जाते नियम है, ये इसमें ठाकुर जी का प्रेम का प्रकाश होता है, इसमें ठाकुर जी का दुर्बलता जो है वीकनेस प्रमाण नहीं होता,
अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र रिबदिजो, ये जो बात इसके द्वारा ठाकुर जी जो प्रेम का अधीन है, प्यार का अधीन है, सेवा का अधीन है, सेव्य वत्सल भक्त वत्सल, इसका ही प्रमाण होता है। इसमें ऐसा नहीं प्रमाण होता है कि ठाकुर जी ओदिन है सबका, ठाकुर जी स्वराटी है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा करके इक्खाकू का बात अभी हुआ, इक्खाकू मनुपुत्र जो इक्खाकू है उसका बात हुआ, अभी इक्खाकू का बात आ रहा है, सर जाति का बात आ गया, ये सब जो है नवाग हो गया, नवाग पुत्र नवाग उसका पुत्र हम पर ये सब हो गया। अब पुत्र मनुपुत्र और एक पुत्र है उसका इक्खाकू पुत्र बिकुखी है, और बिकुखी के पहले श्राद्ध करने के लिए शुद्ध मांसों का जरूरी था, पहले कलिकाल में ऐसा नहीं, कलिकाल में निषेध हो गया, कलिकाल में नहीं चलेगा, पहले जो समय था वैसा चले। तो और जो बिकुखी को भेज दिया, थोड़ा जंगल में जाके थोड़ा शुद्ध मांस लाओ, वो मांस लाने के लिए गए, बड़ा भूखा हो गया तो खा लिया मांस, जितना सारे जगों के लिए आना था लाना था उसमें जला के थोड़ा खा लिया। और यहाँ के जगों का मांस जब दिया गया वशिष्ठ मुनि, बोले ये मांस नहीं चलेगा, ये शुद्ध मांस है, अशुद्ध मांस है, ये नहीं चलेगा, बोल के अपना लड़का को भगा दिया रजो से। इक्खाकू बड़ा दुखी भाई, पुत्र को देश से भगा दिया था, वो कई सारे घटना है ये सब। इसका बाद इक्खाकू राज्य भोग में वितृष्णा हो गया, उसका राज्य भोग छोड़कर बड़ा जंगल में चले गए। और इसके बाद ससाद जो है पिता मित्र, ये जो मृत्यु पिता का मृत्यु का बाद बिकुखु देश में लौट आया एवं ससाद नाम का राजा हुआ, इसका ही नाम ससाद हुआ जो भी है। और इसका पुत्र पुरंजय, इसका पुत्र पुरंजय है, ये जो है पुरंजय का कहानी है। स्वर्ग देवता लोग बड़ा दुर्बल हो गया, असुरों ने इतना आक्रमण कर दिया, तो बाद में पुरंजय को बुलाया, तब पावर है पुरंजय, बोले देखो इंद्र अगर मेरा वाहन बन के हमारा साथ रहे तो हम लड़ाई कर सके। पुरंजय बोले इंद्र को वाहन बनना पड़ेगा मेरा, स्वर्गराज इंद्र अगर वाहन बन के मेरे पास आए तो हम लड़ाई करें, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है, इंद्र जो है अभी वाहन बन के आए हैं, वाहन हो गया है इंद्र वाहन, उसका नाम ही हो गया बाद में इंद्र वाहन। और पुरंजय जो है ये वृषो बन के आया, इंद्र वृषो को ऊपर चढ़ के लड़ाई किया, इसका नाम इंद्र वाहन भी हो गया था। ककुद मैंने उसका जो पीठ में जो कूंज है इसका इधर बैठा था, वो जो वाहन जो है महावृषो का रूप धारण किया, पीठ में उसका कूंज रहता है, इसका पास बैठ के पुरंजय वो वृषभाग कुकुद बजन कुकुद वो पूरी आरोहण करके विनाश किया शत्रुओं को, दैत्य दानव को जो भी है, ऐसा करके पूरा उसका खानदान का वर्णन है। मरीचि कश्यप विवत्सन मोनु इक्खाकू बिकखु पुरंजय अनेना पृथु विश्व गांधी चंद्रो जुवनासो श्रावंतो वृहद अश्व कुबलास्व और ऐसा सूर्य वंश सब जो है कुबलास्व का दृढ़ास्व हरियास्व निकुंभो बहुलास्व कृषास्व सेनजीत जुवनास्व का बाद मानधाता जिस राजा का कहानी आता है, ऐसा कुरुकुत्सो त्रिशदस्व और अनोरण्य इसका हरियास्व पारुण त्रिबंध ऐसा करके। अब जुवनाश्व का जो बात है ये लाइन में, ये जो लाइन है ये जो परंपरा बताया खानदान, इसमें जुवनाश्व जो है जुवनाश्व का सतपत्नी लेकिन एक भी बच्चा नहीं है, संतान नहीं है। तो इसके बाद हर वक्त ये विषण रहते थे। इस समय क्या हुआ, ऋषिगण बोले राजन हम यज्ञ करेंगे, कोई चिंता मत करो आपका पुत्र हो जाएगा। जुवनाश्व क्या किया, यज्ञ कराया, यज्ञों का बाद
योगों का समय ऋषि जो सब ऋषियों ने जो एक कलश का अंदर जो पानी है ये पानी को मंत्र करके ये जो कलश का पानी है करके मंत्र करके बोले ये रात को रहे कल सुबह में योगों में काम में आएगा तब लड़का पैदा होगा। पानी अगर खराब हो कुछ नहीं होगा, लेकिन जुबनासो को पता नहीं, वो कलसी रखा था घर में और जिस घर में रखा था जुबनासो वास हुआ था, रात को बड़ा प्यास लगा कहाँ जाए इतना दूर है कहाँ जाके पानी इतना लगा प्यास। ठाकुर जी का इच्छा सब ठाकुर जी का इच्छा है, ठाकुर जी खिला कराते हैं सब, जैसे परीक्षित महाराज का इतना प्यास लगा, पानी तो नहीं मिला लेकिन इतना प्यास लगा ठाकुर जी का इच्छा। इतना प्यास के मारे एकदम व्याकुल हो गया। उसके बाद देखे अरे ये तो पानी इधर है, बोल के पानी पूरा पी लिया। पानी पीने के बाद सुबह में ऋषि लोग बोलता है ए पानी कहाँ गया कौन लिया। जुबना से बोला हमने हमने पी लिया। बोला तब तो तुम्हारा ही बच्चा होगा। हाँ हमारा बच्चा होगा। हाँ अब इसको कुखी को काट कर बच्चा निकाला और तुम पानी पी लिया तुमका ही तुम्हारा ही होगा। ऐसे कुखी को काट के बच्चा निकाला ऐसा करके जुबना सो पुत्र हुआ ऐसे। अब बच्चा को कोई दूध नहीं है कैसे कैसे खाए हैं। उसके बाद क्या किया उसका नाम है मानदाता। तो इंद्र ने बोला चलो ये बच्चा जो है उसका बात तो मैया नहीं है, पिता का कोख से निकाला तो दूध कहाँ से आएगा, तो हम ही इसको खिला दे चलो ऐसा करके अंगली कर अमृत इंद्र का अमृत झरते हैं मतलब उसको खिला के बचाया। तो ये जो बच्चा है इसका नाम हुआ मानदाता है। इसका इसका नाम है मानदाता। मानदाता अमानदाता जो विष्णु तेज के द्वारा सप्तदीप को पालन किए थे, इतना बड़ा शासक थे इतना बड़ा राजा भाई। मानदाता का तीन पुत्रों मानदाता तीन पुत्रों कुरिक बोझे उसका नाम है कुरु कित्सो अम्बरीश ए अम्बरीश ओ अम्बरीश नहीं दूसरा अम्बरीश और मुचुकुंदो। ए मुचुकुंदो का बाद आता है जो सत्ययुग में जो सोया था और कृष्ण भगवान जो जवन कुल को नाश कराया, इससे ये प्रसंग बाद में आएगा। तो ये जो है अम्बरीश का पुत्र, ये जो अम्बरीश है उसका पुत्र अम्बरीश का पुत्र जुबनासो था। और ये जो है ये जो मानदाता का तीन पुत्रों का बात वर्णना करा, ये अम्बरीश अलग है। और वो अम्बरीश जो है उसका पुत्र था जुबनासो, जुबनासो पुत्र हरितो हरितो। और मानदाता का 50 कन्याएं थी, कोई लड़का फड़का नहीं है। सौ बड़ी मुनि एक दफे जमुना का पानी का अंदर बैठ के भजन कर रहा था, 60,000 साल तपस्या की। एक दफे गरुड़ भगवान को साप दिए थे किसी प्रसंग उपहार, गरुड़ भगवान को बोले आप अगर इधर आ जाओगे तो आपका पंख जो है काट के गिर जाएगा, इसलिए तब से गरुड़ भगवान उधर जाना बंद कर दिया। ये जो ठाकुर जी का पार्षद है पार्षद को साप लगाया इससे उसका अंदर में काम आ गया। अपराध करो तो काम पैदा हो जाए, काम हो गया बहुत सारे प्रसंग है। वो जलचर जो प्राणी है मछली उसका जो मैथुन है वो देखे ये सौवर ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या किया उसका काम आ गया। वो बोले हमको संसार करना चाहिए, बोल के पानी का बाहर आया। बाहर आके संसार को कैसे करे, वो तो बुढ़ा हो गया 60,000 साल तपस्या किया, कौन मेरे को लड़की दे। अम्बरीश महाराज के पास गया, यही अम्बरीश बोले ये जो मानदाता बोले महाराज आपका 50 लड़की है एक लड़की मेरे को दे दो। तो मानदाता ने सोचे कि हम अगर ना कर दे तो अभी साफ कर दे साफ दे देगा क्या दरकार है। तो बोले देखिए ऋषिवर मेरा ये नियम है जब भी कोई शादी करना चाहे तो जो लड़की आपका पसंद है ले लो, लेकिन वो लड़की जिसको माला पढ़ाए पहनाएगी वो ही उसका होगा, मेरा ये नियम है। ऋषि सोचे कि मेरा सा चालाकी कर दिया क्योंकि वो देना नहीं है, अंदर में गया तो बुड्ढा को कौन लेगा, 50 लड़की है एक भी नहीं लिया नहीं ली। उसके बाद ऋषि वर सोचा ये तो राजा चालाकी कर दिया मेरा साथ, मैं बोल नहीं सकता कि देंगे नहीं तुम बुड्ढा, बोला नहीं ठीक है हम एक काम करें अपना तपस्या के द्वारा अपना शरीर को एकदम ऐसा नौजवान हो गया कि इसके बाद सौबरी मुनि ने राजमहल में गया, राजमहल में ऐसा करके गया, राजन बोले आओ अंदर जाओ जो आपको वरण करे वो ले लो।
50 के 50 लड़की लड़ाई हो गया, हमारा ये स्वामी है, ये हमारा स्वामी है, 50 बोले 50 ही शादी कर लो 50 ही शादी कर दिया, बोले चलो हम 50 ही शादी कर ले, कोई बात नहीं 50 शादी कर ली। ऋषि वर का क्षमता है अपना जोग बल के द्वारा 50 रूप की और पूरा एकदम करना शुरू कर दिया। मानदाता महाराज बोला अबाक हो गया, अरे बाप रे ये ऋषिवर का इतना क्षमता है कि अपना भजन बल से अपना जो जुग बल से कितना सुंदर भोग का व्यवस्था किया, बाप रे राजमहल से लेकर भोग का सब रानियां जितना सानी है बीबी सबका लिए व्यवस्था कर दी, ऐसा करके सुंदर व्यवस्था हुआ। और उसके बाद सौबरी ऋषि का बहुत सारे कहना है, रोया सौबरी ऋषि बाद में रोया रोया, हा भगवान कैसा माया चढ़ गया मेरा ऊपर, हाय हे 60,000 वर्ष मेरा जो तपस्या है सब पानी में गया ठाकुर जी, हाय हाय क्या हुआ, बोल के रोना शुरू कर दिया। बाद में ऋषि तो है ही है, जो भी है अपराध किया तो अपराध का फल भोगा। बाद में फिर ऋषि संयम होके जंगल में गया भजन करके सिद्धि प्राप्त हुआ। ऋषि मुनियों के साथ ये आजकल का जमाने में छोकड़ा सब है, छोकड़ा छोकरी ये सब का सब तुलना नहीं किया जाता, वो तपस्वी है, वो गलती कर दिया, वो तपस्या का द्वारा फिर शोधन कर दिया अपने को, क्या करे ऐसा है नियम। ऐसा करते करते इसका बड़ा सुंदर कहानी है, ऐसा किया। उसके बाद त्रिशंकु त्रिशंकुर का लड़का हरिश्चंद्र का प्रसंग आएगा, सायंकालीन अधिवेशन में जल्दी आओ यार, इस समय तो की है आज राम जी का भी चरित्र सब वर्णन हो पाएगा और बहुत सारे घटना है। उसके बाद हम दशम स्कंद चर्चा करेंगे और दशम स्कंद भी चर्चा करने का क्या पद्धति रहे इस बार का, क्योंकि हर बार हरिकथा होता है एक एक बार एक एक विषय पर फोकस रहता, एक एक विषय पर एक एक समय कथा में एक एक विशेष, हर बार जब भी कथा हो नया किस्म का हो ठाकुर जी का किस्सा से। अब इस तक विश्राम दे, सब मन कृष्ण पदार बिंद योर वाचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो तद मंदिरो मांजनादिशु चकार अच्युत सद कथोदये वांछा कल्पतरु से कृपा सिंधु भविष्य पतितानं पावनं भो वैष्णव्यो नमो।